हमेशा तुम्हारी वजह से लेट होते हैं, हमेशा टाप कर देती, मेरे लिए पहनने कुछ होता नहीं। वाह वाह वाह, ये झूठ का जो कॉन्ट्रैक्ट है खुद ही साइन किया हुआ। मैं सो रहा था, मैं उठ रहा था, तुमने आगे कर लिया। समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग, लुक एट दिस। हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त हूँ घर पर, एंड आज की सुबह की शुरुआत हो गई थी अर्ली मॉर्निंग से ही, मतलब सुबह सुबह मेरी तो शुरुआत हो गई थी। प्रिंस को लग रहा है टाइम, एज यूजुअल ही इज लेजी, जब से ही इज गॉट सम ब्रेक। एक्चुअली जरूरत भी है प्रिंस को थोड़े से रेस्ट की, बट वो रेस्ट क्या होता है करते करते, बिकॉज ही जस्ट डिड व्हाट, ही टुक अ ब्रेक फॉर अ डे एंड उसके बाद अगेन ही स्टार्टेड वर्किंग हिज अदर वर्क। बट आई हैव टू से मेरे दिन की शुरुआत सुबह ही हो जाती है, बिकॉज मुझे बहुत सारी चीज़ें खत्म करनी पड़ती हैं। लेकिन जिस दिन प्रिंस लेट उठे उस दिन समझ जाइए बहुत मुश्किल होता है चीज़ें खत्म करना घर में। बट फिर भी मैंने आज में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट सब कुछ, एवरीथिंग इज ऑल सेट एंड रेडी फॉर हिम, एंड आई एम ऑल सेट। मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया है, लंच इज डन, एंड बस अब वेट कर रही हूँ कब मिस्टर नरूला उठें और कब हम लोग निकलें अपने काम के लिए, बिकॉज आज अगेन नथिंग न्यू, दोबारा से हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। बहुत सारा काम खत्म करना है, चीज़ें खत्म करनी है, मेरी म्यूज़िक क्लासेज है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इस वक्त मैं जिम जाऊँ या म्यूज़िक क्लास करूँ, एंड देन आफ्टर दैट आई हैव मीटिंग टू अटेंड, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे रेडी होना चाहिए फॉर द जिम, क्या मुझे रेडी होना चाहिए फॉर द मीटिंग, नो आइडिया। सो गाइज मैं अभी पुश करती हूँ, इतना टाइम हो गया है, मैं कब से बोले जा रही हूँ गेट रेडी गेट रेडी गेट रेडी, बट दिस गाय इम्पॉसिबल यार है। तो गाइज आई विल मीट यू इन सम टाइम, मैं एक बार थोड़ा धक्के लगा लगा के मिस्टर नरूला को थोड़ा तैयार कर देती हूँ, एंड देन आई विल मीट यू। कि मुझे कह रही है कि तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ, और मैं तैयार बैठा हूँ, खुद जूते पहने हैं। हम हमेशा तुम्हारी वजह से लेट होते हैं, हमेशा। यू नो मैंने ओनली वन जो लेजी है इतना, जो लेजी है इतना, कम ऑन, क्या मेरे सारे कपड़े पहने खराब कर देती, मेरे लिए पहनने कुछ होता नहीं है। आई फील कंफर्टेबल, आई लाइक गाइस क्लोथ्स। पता कंफर्टेबल एंड स्मार्ट। तो अपने कपड़े खरीदती क्यों हो, मेरे ही खरीदा करो ना सिर्फ। यू नो पॉइंट, ये सॉक्स कौन से कलर की पहन रही हो, ग्रे कलर की, ये मोस्ट कंफर्टेबल, दैट इज व्हाई शुड बी कंफर्टेबल। बस चलो 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 निकलो। ओ बेबा चलो निकलो, डोंट डू दिस। क्या ये लो, पकड़ो, चलो एक मैं परफ्यूम लगाकर आया, पकड़ो। ओ माय गॉड, तुम्हारे बैग में है, तुम्हारे बैग में है, है है। इससे पहले मैं लॉक लगाना भूल जाऊं, और यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। Let's go. Oh wow. सीधा दो पे रुकी, नहीं रुकी यार, चलो मिस चलो। वाहेगुरु 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 निकल गए हम फाइनली। ये क्यों नहीं आ रही, B1 पे अटकी है। Should we go from outside? बड़ी आ क्यों नहीं रही, Because I think this is what it looks like. हाँ बीवा कुछ काम चल रहा है शायद। We will have to go from that side. नहीं यही लिफ्ट ठीक, पता नहीं कब ठीक होगी, आई डोंट आई डाउट ये ठीक नहीं है, मे बी तो सर्विस लिफ्ट है ना ये, इसके नीचे बिल्कुल सही है, ये खोलेंगे तब जब पूरी बिल्डिंग चढ़ जाएगी, कहां चढ़े या फिर लोग रहने आ जाएंगे, आ चुके हैं और कितने लोग आएंगे, नहीं अभी पड़े होंगे ना फ्लोर्स कुछ एम्प्टी, और शिफ्टिंग होती होगी ना अभी। कौन सा रास्ता है बेबा, एक्सपेरिमेंट मत करो यार। मैं वैसे देख रहा था रास्ता, पहली बार ऐसा हुआ है कि हम अपनी बिल्डिंग में पार्किंग में कंफ्यूज होंगे, B1 B2 जाना है ना, इट्स B1, तो वी हैव टू गो डाउन, आई थिंक वो स्टेयर्स है सामने, वहां से जा सकते हैं हम लोग। वाह वाह वाह, ये क्या हुआ, ऐसे तो लाइफ में रास्ता नहीं मिलेगा। सडनली मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया जब मैं और आकाश एयरपोर्ट पे थे, एंड आई गॉट स्टक, पता है बेबा, प्रोक्शन चल रहा था और मैं ग्राउंड फ्लोर पता नहीं कौन से बेसमेंट में पहुंच गई थी। ओपन, यस 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 यस, स्टेयर्स, चलो अब हो जाएगा हो जाएगा।
गुफा की तरह है। पहली बार देखा ना ये? बस ये खुला हो, नहीं तो ऊपर ही बंद हो जाएंगे, नीचे भी खुला ही होगा बेबा, इमरजेंसी के लिए। ओहो, नॉट बैड, यू हैव रीच्ड। बेबी अगर जैसे मैंने बीमरों कराया नाटो ग्रे एंड रेड, इसको अगर ब्लैक एंड येलो करा दूं, अंदर से येलो बाहर से ब्लैक, येलो विल लुक नाइस, पर गंदा नहीं होगा जल्दी? जल्दी गंदा नहीं होगा? पर कितने टाइम में आएगी कार? एक डेढ़ महीना। लुक्स लाइक 6 मंथ्स। तुम्हारी कोई भी गाड़ी कई महीनों के बाद ही आती है। एक महीने में आ जाएगी, वो भी तो डेढ़ महीना हुआ है। डेढ़ महीना नहीं बेबा, उससे ज्यादा हो गया है। Anyways guys, let's go. हम लोग निकल गए फिलहाल जिम के लिए, और मेरा तो ना मैं इधर की रही हूँ ना मैं उधर की, आई स्वेयर। खुद लेट हुई हो, खुद तुम अपनी वजह से लेट हुई हो। ये झूठ का जो कॉन्ट्रैक्ट है खुद ही साइन किया हुआ है। मैं सो रहा था, मैं उठ रहा था, तुमने आके कदल कर लिया दोबारा से। क्यों, मैं कैसे उठूंगा? ओह माय गॉड, कदल करके उठने भी नहीं दिया। लुक हू इज टॉकिंग, मैं तो मैं थोड़ी देर उठने दूंगा। ओ बेबा यार, ऐसा मत कह के नींद आ गई। नींद आ गई थी, सुबह सुबह उठ गई थी मैं, पता है 9 o'clock। मैं वही आज इतना, मैंने कहा आज धूप ज्यादा तो नहीं है बाहर, सुबह उठ गई है तो। बट मैं उठती हूँ, सुबह उठती हूँ बेबा। वो जब मैं बॉम्बे नहीं होता तब उठती हूँ, जब मैं बॉम्बे होता हूँ फिर थोड़ी उठती हूँ। फिर भी मैंने कहा रूटीन, फिर हम लेट सोते हैं, रात को 3-4 बजे जाते हैं। सुनाई दे रहा था हनुमान चालीसा? मैंने मन में उठाई भी थी, फिर मैं गाते गाते सो गया था। सब कुछ खत्म किया, देन ब्रेकफास्ट वगैरह सारी तैयारियां करके, देन उसके बाद अगेन ब्रेक। यार क्या करूं बेबा, जिम भी करने का मन कर रहा है मेरा। नहीं नहीं, पहले अपनी म्यूजिक क्लास करवाओ, वो इंपॉर्टेंट है, रात को जिम कर लेंगे। मैंने रात को भी करना जिम। चलो ठीक है। Alright guys, let's go to the gym. Let's go home. Let's go to, he's going to gym, I'm going home to do my classes. मेरे सर वेट कर रहे होंगे, सो अपनी क्लासेस भी खत्म कर लेते हैं, क्योंकि 2 दिन से मैं बहुत डिले कर रही हूँ। चलिए फिलहाल म्यूजिक क्लासेस लेते हैं, उसके बाद करते हैं दूसरा काम। Let's go. Hello, hi baby, hi Coco, hi Nana, hi baby Jo. क्या हाल चाल, हाउ आर यू? अली 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 में आ गया। अच्छा, हाय मेरा चूना, अली मेरा मूना, अली मेरा कुट पुट पुट, हाय मेरा चूना बेबी। सो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ घर, और आई एम वेटिंग फॉर सर। नाउ सर आएंगे, मैं क्लास लूंगी और फिर मैं आपसे मिलूंगी। तब तक मैं इसकी चैट इंजॉय कर रही हूँ, थोड़ा बहुत इंजॉय करने वाली हूँ। ये शैतान की कॉपी की चैट, शैतान कॉपी की चैट मुझे करने वाली हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, wow, this looks nice, amazing. ठीक है, क्योंकि मुझे फाइनली ये बेड आ गया पसंद, ठीक है ना। प्राइसिंग पे भी मैं आने वाली हूँ, पर आप मुझे एक बार बताएंगे दोबारा से, ताकि मैं घर जाके मुझे ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। आपके पास रिमोट है, आप दिखाएंगे? सो इस रिमोट में गाइस देखिए, मेरे पास रिमोट है, एंड इस रिमोट से हम लोग इसको एक्चुअली, ओ माई गॉड, दिस इज अमेजिंग, लुक एट दिस यार। मुझे ऐसा लग रहा है ये मैं अपना जो बेड है ना अपने होम थिएटर के सामने रखने वाली हूँ, और उसके बाद मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न, और उसके बाद दुनिया से कट के अपनी लाइफ में रिलैक्स करना है। आई एम श्योर प्रिंस बहुत खुश होने वाला है इस चीज को देख के। सो इसके बारे में आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा? ये आपको स्टाइलक्स चेयर है, बेसिकली इसमें कैसे आपको एक लंबर सपोर्ट दिया हुआ है। सो ऑन द बैक यू हैव अ लंबर सपोर्ट, वो 2 इंच तक आपको एडजस्टेबल रहता है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज दैट इसमें जो हाइड्रोलिक यूज किया हमने, अर्गोनॉमिक हाइड्रोलिक यूज किया, तो बेसिकली इसमें क्या होता है आपको कि 135 डिग्री तक आपकी चेयर टिल्ट होती है। सो काम के साथ साथ में अगर आपको 15-20 मिनट 30 मिनट का अगर नैप लेना है, स्लीप करना है, तो यू कैन डू दैट आराम से, बिकॉज़ ये मेरे नेक में बड़ा आराम मिल रहा है यार। और ये तो मतलब मैं डेफिनेटली प्रिंस को ट्राई करवाऊंगी, क्योंकि हमारा नेक का काम बहुत होता है और नेक को रिलैक्स नहीं मिलता, और ये तो बहुत ही अच्छा ऑफिस वर्क में क्या घर में भी रख सकती हूँ मैं। एंड इट्स अमेजिंग, एंड यू कैन एंजॉय डू सम योगा मेडिटेशन, आई लव इट। ठीक है, तो एक चेयर भी आई एम गोना टेक।
लवली. मुझे लगता है मेरी पॉकेट पूरी खाली होने वाली है यहाँ पे. मैं आई एक चीज के लिए थी, दो नहीं तीन नहीं चार नहीं, मैंने कितना कुछ ले लिया यहाँ पे. बट आई एम हैप्पी बिकॉज ये एक बार की शॉपिंग है. बार बार मैं आई कांट चेंज लाइक क्लोथ्स, जाके कपड़े चेंज कर रही हूँ या फिर जाके आई एम बाइंग क्लोथ्स एवरी डे एवरी वीक. दिस इज समथिंग, दिस इज कम्फर्ट एंड आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज इन कम्फर्ट व्हेन इट कम्स टू मी एंड प्रिंस लाइफ. सो गाइज ये चल रही है मेरी शॉपिंग. And guys, if you want to buy, use my coupon code. आपको special discount उस पे मिलेगा. That is Yuvika5. अगर आपको ऐसा ही comfort चाहिए जो मेरे घर पर है, so please do not hesitate right now. Go and buy with my code with discount. अभी ये भी discount चल रहा है, फिर नहीं मिलेगा. Take care. All right.